इस वीडियो में हम गेट जनरल एनालॉजीज पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। पहले एनालॉजी है सेडेटिव स्लीप। सेडेटिव का मतलब है सुकूनावर दवा, यानी वो दवा या वो कंपोनेंट जो आपको आराम देता है, आपको सुकून देता है, आपको स्लीप इंड्यूस करवाता है, आपको नींद दिलाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बी है, क्योंकि सेडेटिव स्लीप में मदद करता है। इसी तरह निमोनिक जो है वो मेमोरी में मदद करते हैं। अब जो चीज़ निमोनिक के ज़रिए याद करते हैं वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद होती है। जैसे हमारे पास रेनबो के कलर्स है वो हम विव ग्वायर से याद करते हैं, तो रेनबो के कलर्स विव ग्वायर के ज़रिए हमें ज़्यादा याद रहते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है, क्योंकि सेडेटिव स्लीप में मदद करती है, निमोनिक चीज़ों को याद रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब बेयर, चाइल्ड बेयर को कहते हैं जी कब? तो छोटा बेयर जो होता है उसको हम कहते हैं जी कब। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि चाइल्ड डॉग को हम कहते हैं पपी, इसलिए बी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन क्यों नहीं ठीक? अगर पहले किटन होता फिर कैट होता तो सी ऑप्शन भी ठीक होता। किटन कहते हैं यंग कैट को या चाइल्ड कैट को, लेकिन पहले कैट आया, इधर पहले कब आया, पहले जो चाइल्ड है वो आया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और बाकी ऑप्शंस भी गलत है आपके पास। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। नेक्स्ट, बैडमिंटन शटल कॉक। बैडमिंटन और शटल कॉक को यूज़ करके आप एक गेम खेलते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो हॉकी और पैक इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने आइस हॉकी देखी हो तो उसमें हॉकी के साथ एक पक डिवाइस होती है जो डिस्क टाइप होती है, तो ये दोनों आपस में जिस तरह ये रिलेशन बन रहा है उसी तरह बैडमिंटन और शटल कॉक का भी रिलेशन बन रहा है। बाकी माउस कंप्यूटर का रिलेशन नहीं बन रहा, ना ही स्टिक गोल्फ का बन रहा है, ना ही विकेट क्रिकेट का बन रहा है। अगर इधर बैट बॉल होता तो फिर सिनारियो शायद डिफरेंट होता, वो भी शायद सही होता, लेकिन वो ऑप्शन नहीं गिवन, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करता है और टीचर क्लासरूम में काम करता है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी लायर और क्लाइंट आपस में रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लायर क्लाइंट में काम करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इस तरह डेंटिस्ट ड्रिल भी गलत है। केमिस्ट टेस्ट ट्यूब के साथ काम करता है, सही है, टेस्ट ट्यूब में नहीं काम करता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्टेटर स्पोर्ट। जो बंदा स्पोर्ट देखता है उसको स्पेक्टेटर कहते हैं। इसी तरह जो बंदा क्राइम देख ले उसको हम कहते हैं विटनेस, यानी कि गवाह, इसलिए ये सी ऑप्शन आपके पास ठीक है। फैन ग्रैंड स्टैंड में खड़ा होता है, ग्रैंड स्टैंड को देखता नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपके पास गलत है। जेरी और ट्रायल का ऑप्शन भी गलत है, और प्लेयर टीम में होता है वो ऑप्शन भी गलत है, प्लेयर टीम को देखता तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक एम्बल। एम्बल कहते हैं जी स्लोली स्लोली वॉकिंग को, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है अगर आप देखें वो है जॉग टॉट। जॉग जो है वो तेज़ी से आप जब जॉगिंग करते हैं उसको कहते हैं टॉट, जब आप स्लोली स्लोली जॉगिंग करते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। स्कूल फिश, देखिए जब बहुत ज़्यादा फिश इकट्ठे हो जाए हम कहते हैं कि जी स्कूल ऑफ फिश, सही। तो इसी तरह अगर देखें हम कहते हैं हर्ड ऑफ काउस, ग्रुप ऑफ काउस को हम हर्ड कहते हैं, ग्रुप ऑफ फिश को हम स्कूल कहते हैं। बाकी जो ऑप्शन है टीचर स्कूल का गिवन है, ये स्कूल उस स्कूल से डिफरेंट है, स्कूल जो है वो ग्रुप को कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। बर्ड विंग भी ऑप्शन गलत है, और डॉग पपी का ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर आपके पास सी है, क्योंकि ग्रुप ऑफ काउस को हर्ड कहते हैं और ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहते हैं। ऑथर नावल, ऑथर जो है नावल लिखता है, नावल को लिखने वाले को ऑथर कहते हैं, इसलिए इस तरह स्टेट्यू बनाने वाले को स्कल्प्टर कहते हैं, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है। ये जो कुछ एनालॉजीज थे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।